हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बीमान सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 7 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि पोंजे अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। वहाँ पे उसका भाई भाई भी आया हुआ था और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तो उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि आराम से ड्रिंक करो। वो कहता है कि मेरे ग्लास को फिल करो पाई को। तो पाई कहता है कि मैं इसको फिल नहीं करने वाला। फिर उसका फ्रेंड कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फिल करके देता हूँ। वो दोबारा से बहुत ही फास्ट फास्ट ड्रिंक करने लगता है। तो उसका एक फ्रेंड उसको कहता है कि इतना ज़्यादा फास्ट ड्रिंक मत करो, तुम इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ड्रिंक करना चाह रहा हूँ इसलिए ताकि मैं जो सब कुछ भूल जाऊँ। वहाँ भी फ्रेंड उसको कहता है तुम क्या कह रहे हो। तो कहता है कि मैंने उसका जो है 9 साल से वेट किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ भी उसका फ्रेंड पाइक से पूछता है कि मुझे बताओ किसने मेरे फ्रेंड को इतना ज़्यादा सैड किया, क्या है ये, किसकी बात कर रहा है। तो वहाँ पर पाइक कहता है क्या तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो। तो लोग कहते हैं कि हाँ बताओ, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। तो पाइक कहता है वहाँ पर पाइक कहता है कि तुम लोग मुझसे पूछ रहे। तो लोग उसको कहते हैं कि हाँ हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, बताओ। वहाँ पे भाई कहता है तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो, मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ। तो जब तुम लोग को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। तो उसको कहते हैं कि लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें इस बात का पता लगाना चाहिए। वहाँ पे उन काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था, वो हेड डाउन कर लेता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि अच्छी जो है काम कर रहा था लेकिन उसका फोकस नहीं हो रहा था क्योंकि वो सोच रहा था फोन के बारे में। कि वो ने उसको कहा था कि फोन उसको डेट करना चाहता है। वहाँ पे ही वो जो है मम्मी को कॉल करता है। मम्मी कहता है कि क्या हुआ। तो उसको कहता है क्या तुम फ्री हो। तो उसका कहता है मैं बाहर किसी काम से आया हूँ। वहाँ पे ये चीज़ से पूछता है क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वहाँ पे मम्मी उससे पूछता है बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पे ही अच्छे से पूछता है कि क्या ये ठीक होगा कि एक बॉय दूसरे बॉय को लाइक करे। तो वहाँ पे मैंने उसको कहता है ऑफकोर्स ये ठीक है क्योंकि जब मैंने को लाइक करता हूँ तो तुम भी फोन को लाइक करते कर सकते हो। वो डॉक्टर निंग की बात कर रहा था। फिर वहाँ पे अच्छे से पूछता है कि जब तुम स्टार्टिंग में डॉक्टर निंग को लाइक करने लगे तो तुम्हें क्या फीलिंग आई थी। तो वहाँ पे मैंने उसको कहता है कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी की बेस्ट फीलिंग है और जिस इसी फीलिंग का तुम हमेशा वेट कर रहे थे। और वो ऐसी फीलिंग होती है कि जो तुम सिर्फ एक इंसान के लिए फील कर सकते हो और वो इसी के नाम होती है। और फिर वहाँ पे ही अच्छी उसको कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो वहाँ पे ही अच्छी उसको कहता है मैं तुम्हें अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वहाँ पे मम्मी उसको कहता है ठीक है। फिर मम्मी जो है आगे की तरफ चला जाता है और अच्छी जो है अपना फ़ोन बंद कर लेता है। फिर वहाँ पे अच्छी कुछ सोचने लगता है। फिर दूसरे से देखने को मिलता है कि पाई बता रहा था फ़ोन के फ्रेंड्स को कि मुझे नहीं पता जब मैंने फ़ोन को देखा तब तक वो लोग ब्रेकअप कर चुके थे। वहाँ पे ही के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम इस बात पे यकीन नहीं करते, हमें बताओ कि किसने हमारे फ्रेंड को रिजेक्ट किया है, हमें जानना है और हम उसके फ्रेंड्स हैं, हमारा राइट है कि हम जाने, बताओ हमें। अब इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि बताओ वो सीनियर है या जूनियर है, हमें जानना है। तो वहाँ पे पाइक कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, वो सीनियर है। वहाँ पे इसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या वो सीनियर है। वहाँ पे गलती से पाइक जो बोल देता है कि पॉन जो है उससे इंटर्नशिप के टाइम पे मिला है। तो वहाँ पे अपने वो पे हाथ रख लेते हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे इसको नहीं बताना चाहिए था। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या मतलब वो उससे वहाँ पे मिला, चाहे पॉन इंटर्नशिप करने करता है सीनियर से वहाँ पे मिला है। तो वहाँ पे पाई कहते हैं नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं कि हमें सच बताओ, पाई उनको नहीं बता रहा था। वो लोग कहते हैं ठीक है हम खुद ही पता लगा लेंगे अगर तुम हमें नहीं बता। तो पाई कहते हैं ठीक है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक मिनट रुको। अभी वो उनको बताने ही वाला था तो फोन को कॉल आने लगती है। वो कहता है रुको मुझे पहले कॉल अटेंड करने दो, पक्का वो मॉम की कॉल होगी। वहाँ पे वो देखता है कि वो तो अच्छी की कॉल है। वो लोग उसको कहते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम ने कॉल की, तुम्हें दिखाओ जरा हमें। तो वो कहता है कि हाँ मेरी मॉम ने ही कॉल की है। वो साइड पे जाके कॉल अटेंड करता है। अच्छी उसको कहता है कि हेलो पॉन। तो वहाँ पे पाई कहता है पॉन नहीं है, मैं पाई बोल रहा हूँ। वो कहता है पॉन कहाँ है। वहाँ पे पाई उसको बताता है कि पॉन बहुत ज़्यादा ड्रंक है। जैसे वो ये बात सुनता है जी कहता है पाई को मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं उसे लेने के लिए आता हूँ। वहाँ पे उसको कहता है ठीक है। कॉल कट करने के बाद पाई कहता है कि अच्छी को क्या हो, फिर उसका एड्रेस भी सेंड करता है। पाई जाता है पॉन के फ्रेंड्स के पास और कहता है कि मैं पॉन को लेके जा रहा हूँ। लोग कहते हैं क्या मतलब, उसको कहता है कि मॉम हमें लेने के लिए आ रही है और हाँ बिल तुम लोग पे कर देना। तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं तुम लोगों ने हमें बुलाया ड्रिंक करने के लिए और अब तुम लोग कह रहे हो कि पे भी हम कहते हैं। वहाँ पे पाई कहता है नेक्स्ट टाइम मैं पे कर दूंगा लेकिन अभी तुम्हें इसकी हालत दिख रही हो। वहाँ से उसको लेके जाता है। वहाँ पे वो तीनों बातें करने लगते हैं कि वो उसकी मॉम का कॉल नहीं था। वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मैंने देखा उसकी मॉम कॉल नहीं करी थी, कोई और था। वो लोग कहते हैं फिर हमें उनको फॉलो करना चाहिए। वो कि उसको फॉलो करने के लिए चाहते हैं। फिर वहाँ भी फोन पाई को कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो पाई कहता है कि अच्छी तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। वहाँ भी फोन कहता है कि तुम उसका नाम मत लो, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। वहाँ पे ही वो कहता है कि वो आ गया। और फिर फोन जो है वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अच्छी कहता है पाई को कि उसको कार में बिठाओ। और फिर वहाँ पे वो फोन को जो है कार में बिठाता है। अच्छी पूछता है पाई से कि तुम घर कैसे जाओगे। तो उसको कहता है मैं खुद चला जाऊँगा लेकिन हाँ
ये तुम हो इसलिए मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छे उसको कहता है ठीक है वहाँ भाई। वो उसको जो है फोन देता है, ये फोन का फोन है। फोन कहता है कि भाई तुमने मुझे किस टैक्सी में बिठाया है। इस टैक्सी ड्राइवर की के पास से वो स्मेल आ रही है जो कि ठीक है शैम्पू किया वहाँ पे अच्छी स्मेल करने लगता है। भाई कहता है कि मैं घर जाता हूँ हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो मुझे बताना। वहाँ पे अच्छी जो है फोन का बेल्ट जो है सेट करता है। वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा क्लोज आ गया। अब वहाँ पे अच्छी अपनी सीट पे होके बैठता है और फोन की तरफ स्माइल करके देख रहा था। वहाँ से चला जाता है और उसको जो है छुप छुप के फोन के फ्रेंड्स देख रहे थे। और भाई जो है वहीं पे खड़ा होता, वो उसके पास आते उसको कहते हैं कि मुझे बताओ वो तुम्हारी मॉम थी। तो वो कहता है कि हाँ मेरी मॉम ही थी, उसको लेके गए चले वापस चलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बताओ वो कौन था। तो वहाँ भी वो कहते हैं मैं बता रहा हूँ वो मेरी मॉम थी और चलो मैं तुम लोग के लिए पे भी कर देता हूँ। वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ से उनसे भाग जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी जो है पॉन को एक जगह पे लेके आया था, लेकिन पॉन अभी भी सो ही रहा था। वो कार से उतर के साइड पे जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है आज मैं एक नया स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी किसी स्पेशल के साथ। मुझे अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए और मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं किसी स्पेशल पर्सन के साथ नया स्टार्ट करने वाला हूँ और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो हमेशा मेरे साथ था लेकिन मुझे पता नहीं चला। वहाँ भी थोड़ा सा होश में आने लगता है। फोन जो अच्छी के पास जाता है जो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाया। तो वहाँ पे अच्छी उसको कहता है कि क्या तुम रेडी हो मेरा आंसर सुनने के लिए। तो वहाँ पे पॉन उसको कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन पॉन को पता था कि उसका आंसर यस नहीं होगा। वहाँ पे अच्छी जो है उसके बहुत ज्यादा क्लोज आके और उसको किस करता है। वहाँ पे पॉन जो है अच्छी को स्माइल करके देख रहा था और वो जो है अच्छी को थैंक यू बोलता है। फिर पॉन कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये रियलिटी नहीं है? मुझे लगता है ये रियल नहीं है। वहाँ पे तो वहाँ पे ही अच्छी कहता है पॉन को कि नहीं ये सच है, ये रियल है। वहाँ पे फोन जो अच्छी को हक करता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि जैसे फोन पूछ रहा था कि क्या तुम यहाँ पे मेरे हनीमून के लिए आए हो। तो वहाँ भाई उसका कहता है कि नहीं मैं बस तुम्हें डेट करना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारे हनीमून के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे फोन कहता है अच्छी को क्या हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अच्छी उसको कहता है आज के बाद तुम्हें मुझे ब्रदर बुलाने की जरूरत नहीं है। वहाँ भाई अच्छी उसको तंग करने लगता है। तो फोन उसको कहता है तुम मुझे तंग कर रहे हो, मैं बताता हूँ उसको। बहुत ही ज्यादा कस के हक करता है। वो लोग बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे थे, वो हैप्पी थे। हम देखने मिलता है कि वहाँ जो है बैठी हुई थी वहाँ पे मम्मी गाता है। तो मम्मी को कहती है कि बताओ अच्छी कहाँ है। तो उसको कहता है वो मेरे साथ नहीं आया। उसको कहती है रुको मैं उसको कॉल करती हूँ। उसको कहता है उसको कॉल मत करो। उसको कहता है कि वो जो है आउट ऑफ सिटी क्या हुआ है डेट पर वो भी पॉन के साथ। वो कहती क्या ये बात मुझे क्यों नहीं पता। तो मैंने कहता तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि उसने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है कि लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहाँ पे मैम स्माइल करने लगता है। वहाँ भाई मैंने उसको कह रही है तुम बताओ तुम आज इतने अच्छे मूड में क्यों दिख रहे हो। वहाँ पे उसको कहता है एक्चुअली हुआ ये कि मैंने और डॉक्टर निंग ने जो है ये डिसाइड किया कि हम दोनों डेट करेंगे। और फिर वो स्माइल करके बताता है उसको। वहाँ पे मैम सोचता है कि वो और डॉक्टर निंग दोनों बैठे हुए थे। वहाँ पे मैम उसको कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मुझे सच में हेट कहते हो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं। तो उसको कहता है कि तुम मुझे डेट करोगे। स्माइल करके डॉक्टर निंग कहता है हाँ लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे। तो वहाँ पे ही मैं उसको कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए परफेक्ट पर्सन हो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। तो वहाँ पे मैं स्टैंडिंग उसको कहते हैं कि हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि शायद तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। और फिर वहाँ पे ही उसको बताता है कि जिस तरह उस दिन तुम मेरे हॉस्पिटल में आए थे और मुझे कह रहे थे कि मुझे माफ कर दो। और फिर मैं कह रहा था नैंगो कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो नैंगो उसको कहता है कि ओवर एक्टिंग मेरे सामने मत कर। तो उसको कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। सारे लोग उसको देख के और उस पर हंस रहे थे। वो कहता है कि तो सिर्फ एक बात पता और ये है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। तो वहाँ पे डॉक्टर नैंगो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता। वो उसको छोड़ के आगे जाने लगता है। तो दोबारा से मैं उसको हक करके कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वहाँ पे वो दोबारा से उसको मना कर देता है। तो मैं सच में हर्ट हो रहा है, ये सारी बातें वो मैंने को बता रहा था। और वो कहता है कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं रखा, तुमने आके और हॉस्पिटल में इतना बड़ा तमाशा किया। तो वहाँ पे मैंने उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो वहाँ पे मैंने उसको कहता है कि मेरी नेचर इस तरह नहीं कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ, खास तौर पर किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करूँ। और अगर तुम चाहते हो मुझे डेट करना तो मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें सुनना होगा मेरी। मैं तुम्हें बता दूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा टारगेट है, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो फिर शायद मैं तुम्हें डेट करूँ, क्योंकि ये जो है तुम्हारे फ्यूचर को भी हिट कर सकता है। और हाँ याद रखना तुम जो हो पब्लिक का फ्यूचर और तुम एक एक्टर हो। तो मेरी जो पास की सारी बुरी चीज़ें क्या तुम उनके साथ मुझे एक्सेप्ट करते। तो वहाँ पर ही मैं उसको स्माइल करके देखता है। उसका हाथ पकड़ कहता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक बार मैंने जब तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तो फिर क्या। तो वहाँ पर ही नंग जो है स्माइल करने लगता है और नंग जो है मान जाता है उसको डेट करने के लिए। ये सारी बातें मैं वान को बता रहा था। तो वान कहती है कि तुम लोग अभी कैसे डेटिंग स्टार्ट कर सकते हो।
तो वहाँ पर वन को कहता है कि तुम्हें नहीं पता प्यार के बारे में, प्यार किसी चीज़ का वेट नहीं करता, तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम किसी के साथ रिलेशन में आओगी। वहाँ पे वन कहते हैं कि मेरे लिए जो है पैसे ही सब कुछ खरीद सकते हैं और पैसे ही मुझे फ्लाई करवा सकते हैं, जितना मैं चाहूँ चाहूँ मुझे वो उड़ा सकते हैं और मेरे लिए पैसे तुम लोग कमा के लाते हो। वन कहता है वन को कि कहते हैं कि तुम क्लब जो है पैसों के साथ जा सकती हो अकेले, तो उसके कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे लिए पैसे ही सब कुछ है और तुम्हारा काम है मुझे पैसे कमा के देना। देखने को मिलता है कि बाइक काफी ज्यादा टेंशन में था, उसकी मम्मी के पास आते उसको कहते हैं तुमने अपने भाई को इस तरह कैसे जाने दिया, तो उसको कहता है लेकिन मुझे लगा कि वो उसके लिए चांस होगा, तो उसको कहती है मुझे पता है तुम ठीक कह रहे हो लेकिन एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तो उसको कहता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, रात हो गई थी, लेकिन फोन जो है अडल्ट है, तो वहाँ पे उसकी मम कहती है मुझे पता है, मम उसको कहती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मुझे पता होना जरूरी है। वहाँ पे भाई उसको कहता है कितनी ज्यादा टेंशन हो रही है, तो उसको कॉल कर पूछ लो। वहाँ पे उसकी मम उसको कहती है मैं उसको कॉल नहीं करूंगी, तुम्हें उसको कॉल करनी चाहिए, तो उसको कहता है नहीं मैं उसको कॉल बिल्कुल भी नहीं करने वाला, आप उसको कॉल करो। वहाँ पे उसको कहती है मैं कुछ भी नहीं पता और फोन निकाल के उसको कॉल करने लगती है। वहाँ पे भाई की मम को ऑर्डर का मैसेज आ जाता है, वो कॉल नहीं कर पाती फोन को। फिर हमें देखने को मिलता है कि अच्छी और फोन दोनों साथ थे। वहाँ पे फोन जो है अच्छी को पानी मार रहता है, अच्छी उसको कहता है कि ऐसा मत करो, फिर अच्छी पे जो है उसको पानी लगाता है। वहाँ पे फोन उसको कहता है कि अच्छी ऐसा मत करो, लेकिन वो उसको ब्रदर अच्छी बोलता है। तो वहाँ पे जिसको कहता है मैंने तुम्हें मना किया है कि मुझे अब और ब्रदर मत बुलाओ, तो उसको कहता है क्यों। वहाँ पे ही जिसको कहता है मुझे लगता है तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है, मैं तुम्हें पनिश करूंगा तुम्हारे चेक पे किस करके। वहाँ पे उसको सच में चेक पे किस करता है। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा और पीएचपी बोलता है। तो वहाँ पे जिसको कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, उसको कहता है अब तुम मुझे बहुत ज्यादा बार किस करोगे। वहाँ पे उसको कहता है अच्छा तो ये बात है, वो सच में उसको बहुत ज्यादा बार किस करने लगता है, उसी तरह खेल रहे थे। फिर वो दोनों किस करते हैं, फिर हमें देखने मिलता है कि अच्छी वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए थे, वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अच्छी एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है, फोन उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं अभी मैच्योर नहीं हूँ लेकिन तुम्हें कन्फर्म करता हूँ मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा। तो वहाँ पे जिसको कहता है कि फोन कहता है कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे दोबारा पूछने दो क्या हम डेट कर सकते हैं। वहाँ पर इस चीज़ को कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ हम लोग डेट कर रहे हैं और हम दोनों साथ रहेंगे। वहाँ पर फोन कहता है जब से मैं तुम्हें मिला हूँ मेरी फीलिंग्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, मुझे लगता है हम दोनों साथ बहुत ही हैप्पीली रहेंगे, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा। वहाँ पर फोन जो है अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है और वो जो अपने हाथ से फेक रिंग बना के और अच्छे को बना रहा था, अच्छे को कहता है तुम क्या कर रहे, तो उसको कहता है ये मेरे दिल से बने हुए रिंग है जो मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। वहाँ पे उसको पहनाता है, अच्छे उसको संभाल करके देख रहा था। वहाँ पे जिसको कहता है ठीक है तो अब मेरी बारी, वो अपने हाथ से फेक रिंग बना के उसको पहनाता है और फोन बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था। वहाँ पे जिसको कहते तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, इतने ज्यादा क्यूट क्यों हो। वहाँ पे अच्छे कहता है फोन को कि अब तुम अपना दिल किसी को भी नहीं दे सकते क्योंकि वो मेरा है। तो वहाँ पे फोन उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं अपना दिल पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ, तुम ले सकते हो, ये बोल के उसके क्लोज आने लगता है। दोबारा से अजी कहता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे बहुत ज्यादा और हमने क्या मिलता है कि दोनों साथ नहा रहे थे, ये दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे। जब अच्छे फोन के साथ होता है तो बहुत ही अमेजिंग स्माइल करता है। फिर मैंने फोन कहता है भाई को मैंने तुम्हें एक बताने के लिए कॉल किया है कि अच्छे जो हमारे घर आ रहा है और मॉम और डैड और ग्रैंडमा तीनों से मिलेगा और उनको कुछ बताने वाला है। तो वहाँ पे भाई कहता है तुम्हारे क्या मतलब, क्या तुम्हें प्रपोज करने वाला है। तो उसको कहता है शायद कुछ इसी से रिलेटेड है। उसको कहता है तुम मजाक तो नहीं करे, वो उसको कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पाई खड़ा होता है, उसकी मम उसके पास आती है, उसको कहती है कि मम कहती है कि तुम क्या करे, तो पाई कहता है कि मम अच्छी आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। उसको कहती है तुम्हारा क्या मतलब, वो सच में आने वाला है। उसको कहता है कि हाँ वो फोन को प्रपोज भी करने वाला है। उसको कहती है कि तुम सीरियस हो, सच में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, फाइनली ये दिन आ गया, फोन बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, मैं जा रही हूँ कुछ प्रिपरेशन करनी है। फिर हमें देखने को मिलता है वो कह रही थी टाइल को कि तुम ये रोल क्यों कर रहे हो, तो टाइल कहता है कि ये रोल ठीक, कहता है कि ये रोल मुझे अच्छा लगा और शायद ये मेरे लिए चांस अच्छा। तो उसको कहती है कि एक बॉडीगार्ड का रोल है जो कि अच्छी का बॉडीगार्ड है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही छोटा रोल है और एक एक्स्ट्रा रोल है। तो वहाँ पे ही टाइल कहता है कि नहीं तुम मुझे मना नहीं कर सकती, मैं यही रोल लेने वाला हूँ, मैं अच्छी के साथ रोल प्ले करता ही रहा था, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसको कहती है मैं तुम्हें मना नहीं करी इसलिए क्योंकि ये जापान की तरफ तुम्हारा फ्री ट्रिप जाएगा, इसलिए तुम इसको कर सकते हो। अच्छी और बहुत दोनों आए हुए थे और अच्छी जो है सबको हाई बोलता है और फिर अच्छी कहता है मैं सबको ये क्लियर करने आया हूँ कि मैं और फोन हम दोनों डेट कर रहे हैं। और वहाँ पे फोन के डैड और मॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वहाँ पे फोन की मॉम कहती है मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडमा इस बात पे मानने वाली है। ग्रैंडमा जो है बहुत ही सीरियस होकर बैठी हुई थी, जैसे वो इस बात पे एग्री नहीं करती। वहाँ पे अच्छी जो है कहता है ग्रैंडमा को कि मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि मैं आपके ग्रैंडसन का हमेशा ख्याल रखूंगा। और वहाँ पे फोन कहते हैं अपनी ग्रैंडमा को कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपसे ये बात छुपाई।
लेकिन बात यह उस वक्त खुद कंफर्म नहीं था, लेकिन अच्छी ने अब कंफर्म कर दिया कि वो मुझे डेट करना चाहता है, तो इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ। वहाँ पे वो उनकी ग्रैंडमा कहती है, मतलब इस बारे में सबको पता था लेकिन तुम लोग सिर्फ मुझसे छुपा रहे थे। तो वहाँ पे वो कहता है कि हमारा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि आपसे हम बात छुपाए, बस मैं बता रहा हूँ कि मैं कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। वहाँ पे वो संभाल करने लगती है और कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने अब मुझे सच बता दिया है, अब तुम दोनों साथ। ये बोल के वो अच्छी को कहती है कि आओ मुझे हक करो, मैं तुम दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट करती हूँ। वहाँ पे अच्छी जाकर उसको हक करता है। वहाँ पे भाई कहता है अपने मोम डैड को कि मैं पहले ही आप लोगों को कह रहा था कि ग्रैंडमा जो अच्छी की फैन है लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो कहती है नहीं मैं अच्छी की फैन नहीं, मैं बस इसकी टीवी सीरीज देखती हूँ, मुझे पसंद है। तो वहाँ पे ही फोन कहता है ग्रैंडमा इसका मतलब यही होता है कि आप इसकी फैन हो। तो वहाँ पे कहती है कि अच्छा तो मुझे आज पता चला कि मैं अच्छी की फैन हूँ। फिर वो कहती है अच्छी तुम कितने ज़्यादा क्यूट और हैंडसम हो, अब तुम भी मेरे ग्रैंडसन हो, तुम जैसे टीवी सीरीज में क्यूट दिखते हो रियल में भी वैसे ही क्यूट हो। फिर वहाँ पे वो कहती है मुझे दोबारा हक करो ताकि मुझे श्योर हो जाए कि तुम हमारी फैमिली में एंटर हो। दोबारा उसको हक करता है, अपॉन भी उसको हक करता है। फिर वो कहती है अपॉन और अच्छी को क्योंकि तुम दोनों अपना रिलेशन स्टार्ट करने वाले तो तुम दोनों की बात समझनी होगी कि तुम दोनों को और भी एक दूसरे को समझना होगा और चाहे कुछ भी हो एक दूसरे से फेस टू फेस ही बात करनी होगी और एक दूसरे को सच ही बताना होगा, कभी भी झूठ नहीं बोलना होगा। अभी वो लोग उसकी बात मान रहे थे। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ जो है पिक्चर्स देख रही थी फोन और पाई कि वहाँ पर मिस कोई उसको कॉल आती है, उस कॉल अटेंड करती है। तो वो पूछती है मिस वॉन से कि बताओ कि वॉन कैसा है, तो कहती है कि वो अब ठीक है। तो वो कहते हैं फिर ठीक है नेक्स्ट वीक हमें शूटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर मिस वॉन पूछती है उसको से कि अगर वॉन जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करे तो वो कैसा है, उसके लुक्स कैसे। तो वहाँ पर मिस कोई कहती है कि वो गुड लुकिंग है, क्या तुम भी इस तरह सोच रही हो। तो वहाँ पर वॉन कहती है मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ। तो वॉन कहती है कि आप किसकी बात कर रही हो, क्या किसी और ने भी उसको देखा। तो वहाँ पे मिस कोई कहती है कि हाँ किसी ने रिकमेंड किया था वॉन के बारे में मिस्टर डेक, और वो जो है उसकी तरफ अटेंशन कर रहे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि वॉन अगर हो सकता तो वो फेमस हो जाए, वो अपना करियर बना ले। और वो ये बोल के कॉल कट कर देती है। वहाँ पे मिस वॉन सोचने लगती है कि और कौन अटेंशन दे रहा है फोन पर और किसने मिस्टर डेक को बताया फोन के बारे में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अच्छी आता है और पवन भी दोनों जो है ग्रैंडमा के पास आकर बैठते हैं। अच्छी कहता है ग्रैंडमा को कि मैं चाह रहा हूँ लेकिन आपको, अच्छी कहता है कि मैं चलता हूँ। वहाँ पे ग्रैंडमा जो है उसको हक भी करती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अच्छी और पवन दोनों बाहर आते हैं। अच्छी को फोन थैंक यू बोलता है। तो अच्छी कहता है वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी ग्रैंडमा, तुम्हारी डैड, तुम्हारी मॉम, तुम्हारा भाई, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। तो वहाँ पे फोन कहता है कि हाँ और मैं उनको कभी भी सैड नहीं देख सकता जो भी मैं आज होने की वजह से हूँ। वहाँ पे अच्छी कहता है कि हाँ फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोन कहता है वैसे तुम भी आज से मेरी फैमिली हो। वहाँ पे ये अच्छी कहता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वहाँ पे फोन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। वहाँ पे फोन कहता है अच्छी को फिर तुम्हें जो है मेरे साथ रहना स्टार्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारा हर दिन जो है हैप्पी हो। तो अच्छी कहता है कि वो दिन भी आएगा, तुम्हें मेरा वेट करना होगा। फोन कहता है मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा चाहे ये कितना भी ज्यादा टाइम लगा। फिर भी वहाँ पे वो उसको जो है दरवाजा खोल के देता है कार का। वहाँ पे अच्छी पेट रहा था। वहाँ पे ये अच्छी वजह फोन उसके फॉरहेड पे किस करता है, कहता है कि मैं इस तरह रोज करना चाहता हूँ। इसी टाइम पे अच्छी उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। फिर वहाँ से चला जाता है। फोन भी अंदर जाता है और उसकी ग्रैंडमा जो है बैठी हुई थी वहाँ पे। फिर वो अपनी ग्रैंडमा के साथ जाके बैठता है और कहता है थैंक यू ग्रैंडमा कि आज आपने अच्छी के लिए खाना बनाया। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ, अगर तुम हैप्पी होगे तो मैं भी तुम्हारे लिए हैप्पी होंगी। और वहाँ पे उसको हक करता है। वो कहता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी ग्रैंडमा उसको हक करी थी। वो बहुत दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जी जो है बैठा हुआ था और वो अपनी डायरी पकड़े हुए था और सोच रहा था जो जो वर्ड उसको फोन ने बोल रहे थे। फोन ने उसको कहा था कि तो मैं अब एक लवर की नज़र से देखूंगा। वो ये सारी चीज़ें जो है फिर डायरी में लिखता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे देख कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।